अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की दिली मुरादें पूरी करे और जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन सुम आमीन। आज आपके लिए ज़बरदस्त किड्स लंच बॉक्स आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही हेल्दी और यमी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैंने बोनलेस ले लिया है और बोनलेस आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। उसमें मैंने तकरीबन आधा किलो से कम बोनलेस लिया है। उसमें एक अंडा डाल दिया है, 1 टीस्पून नमक डाल दिया, 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दी है, इसमें 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सिरका ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। बहुत झटपट बहुत जल्दी ऐसे भी बनती है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑरिगैनो भी डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इतने ज़बरदस्त सुपर यमी ये लंच बॉक्स तैयार होता है, बच्चों का फेवरेट होता है। आप इसको बना के रखें। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स घर के अंदर ही तैयार कर लिए थे और मैंने थोड़े से जो है मोटे ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं और इसका रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अगर आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये मैंने सारे मसाले लगाकर 1 घंटे के लिए जो फ्रिज में रख दिया था, अब 1 घंटा हो गया है। अब मैंने चिकन जो पीसेस थे उनको उठाया और ये जो मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार किया था घर में, ये थोड़ा सा मोटा मोटा रखा था, इसमें अच्छी तरीके से इसको मैंने कवर कर दिया। मोटा ब्रेड क्रम्स इसलिए मैंने रखा है कि इससे ना शेप बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो जो बिल्कुल बारीक होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए इस तरीके से मोटी मोटी इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स होते हैं तो वो बहुत ही अच्छे, जब फ्राई होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसको पैकेट बना के जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं आराम से, और आप आराम से इसको 1-1.5 हफ्ता चला सकते हैं। बस इसको बना के आप फ्रीज़ कर लें और उसके बाद जब आपका दिल चाहे आप इसको फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ एक लंच आइडिया भी। इसको मैंने फ्राई कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने एक कीवी ले लिया है, और वैसे आप सादी भी कीवी दे सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बच्चे को देंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। और कोई भी आपके पास शेप हो, मेरे पास स्टार शेप था। इस तरीके से देखें मैंने इसको कीवी को पहले 2 पीसेस किए हैं और इसको प्रेस कर दिया है, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है स्टार शेप में जो है कीवी देखें इस तरीके से तैयार हुई है। कितनी अट्रैक्टिव लग रही है और बच्चे कितना खुश होते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से बैक तरफ से इसका ग्रीन और आगे से इसके कलर, तो कलरफुल सी कीवी तैयार हुई हो। इतनी ऐसी लग रही थी, जैसे जेली फिश होती है बिल्कुल वैसी लग रही थी। और ये मेरे बच्चों को इतना अच्छा लगा था और उन्होंने बहुत शौक़ से कीवी इस तरीके से खाई थी। तो आप ही ज़रूर बच्चों को कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ वैरायटी के साथ चीज़ें दिया करें तो भी बच्चे जो होते हैं बहुत शौक से खाते हैं। और हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को जो चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगेगी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। साथ मैंने ये छोटा सा केचप रख दिया है और ये मैंने कीवी रख दी है, 7 नगेट्स हैं, और साथ मैंने बच्चों की जो फेवरेट जेली है वो रख दी। आप इसके बजाय नट्स रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप ये रख सकते हैं। और ये देखें हमारा कितना यमी सुपर डिलीशियस जो है किड्स लंच बॉक्स तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और ये है जी फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे के दिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। कोई कार्निवल था और फ्राइडे के दिन तो फिर हम उसी की तैयारी कर रहे थे। ये बच्चों के लिए मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बच्चों ने कहा था कि जाना भी बहुत ज़रूरी है। और कार्निवल में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और कोई कार्निवल कैसा होता है ये आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉग को पूरा देखिएगा तो आपको भी खूब इन्जॉय करेंगे। और ये मेरे बच्चों की सारी चीज़ें थी, सॉक्स वगैरह कैप वगैरह मैंने सब निकाल दी थी बच्चों के लिए। और अब हम पहुँच गए हैं कार्निवल पर। हम सब ने वहाँ पे बहुत मज़ा किया, स्पेशली बच्चों के लिए, किड्स के लिए तो ये बेहतरीन होता है ना कार्निवल वगैरह। हर किस्म के यहाँ पे स्टॉल थे और बच्चों के लिए बहुत अच्छे झूले वगैरह यहाँ पर थे। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे, और इस वक्त दोपहर का वक्त था। हम तकरीबन दोपहर के 3 बजे तक निकल गए थे और ये हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे, खाने पीने की काफ़ी चीज़ें थी, पॉपकॉर्न्स वगैरह थे, हलीम थी, निहारी थी, बिरयानी थी, चॉकलेट्स वगैरह थी, जोली वगैरह थी, हर तरीके का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। और सब लोग माशाल्लाह भरपूर इंजॉय कर रहे थे। और बच्चों को तो आपको पता है कि ऐसी जगहें कितनी अच्छी लगती हैं, और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था और ठंड हो रही थी, लेकिन जब बच्चे इंजॉय कर रहे हो तो फिर उनको इतनी ठंड महसूस भी नहीं होती है। और ये बच्चों का जो आते ही जो है खाना पीना हो जाता है शुरू।
और अपनी अपनी पसंद के बच्चों को जो भी पसंद है अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे हैं और झूले वगैरह झूल रहे हैं, तो सब ने बहुत इंजॉय किया। गेम्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे यहाँ पर, बलून्स वगैरह, काफ़ी वैरायटी थी चीज़ों की, काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे। प्रोग्राम वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे हुए, स्टेज परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त थी, आपके साथ मैं शेयर करूँगी। खाने की भी काफ़ी वैरायटी थी, बहुत मज़े मज़े के फूड थे। कोन वगैरह, मेहंदी वगैरह भी यहाँ पे स्टॉल पे लगाई जा रही थी, यानी कि हर किस्म का यहाँ पे इंजॉयमेंट था, जो बहुत जितने भी लोग आए थे बहुत इंजॉय करे। तो ये देखें बच्चे, ये तो कोई भी इस किस्म का झूला वगैरह हो तो नहीं छोड़ते, खूब इंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था बच्चों को इस तरह से खुश देखते हुए। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, तंग भी नहीं कर रहे थे बच्चों को, क्योंकि ऐसी जगहों पे जहाँ पर बहुत से बच्चे हों और बहुत से उनकी मनपसंद चीज़ें हों तो बच्चे जो है खूब इंजॉय करते हैं। और माशाल्लाह से इस तरह से शाम हो गई थी, तकरीबन 6 बजे का वक्त था, बिल्कुल शाम हो गई थी और ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी, और बस अब जाने की तैयारी थी। एक प्रोग्राम यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ, ये मेरी बेटी फेस पेंटिंग करा रही है, बहुत खुश थी माशाल्लाह, सभी बच्चे बहुत खुश थे। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ब्लॉग को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, आगे जाकर आपको और जानकारी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Oh,